कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम अपने लैपटॉप पे कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं और अपने व्यूअर्स को समझाना होता है तो हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करना होता है। तो इस स्थिति में हमें पता ही नहीं होता है कि कैसे हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करेंगे और जो भी हम ट्यूटोरियल बनाते हैं या जो भी चीज़ हम अपने व्यूअर्स को समझाना चाहते हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप बहुत ही आसानी से अपने व्यूअर को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन सा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि कभी हम जो अपना स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या कभी कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करें, तो आप कैसे कीजिएगा? इसके लिए आपके पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये कितना अच्छा और कितना परफेक्ट तरीके से ये जो है ZX सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, कितना शानदार ये आपका चलता है आपके लैपटॉप में। और आपके जो कोई भी आप अगर आप वीडियो बनाते हैं या आप कोई भी ट्यूटोरियल बनाते हैं तो उसको आप जो रिकॉर्डिंग जो कीजिएगा तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये रिकॉर्ड करता है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो दे रखे हैं फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से आ जाता है, यहाँ पे आपको स्टार्ट डाउनलोड वाले पे अब यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 8.5 MB का है और ये देखिए डाउनलोड हो भी गया है। ये सब आपके नेट पे डिपेंड करता है कितना फास्ट आपका नेट चलता है। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से रन वाले पे ओके करेंगे, यहाँ से यस करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद टर्म को एग्री करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अपना पाथ चूज कर लेंगे। अब रिकॉर्डिंग होने के बाद आप कहाँ इसको रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज फाइल में जाके। चलिए हम यहाँ सी ड्राइव में ही रहने देते हैं, या आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से फोल्डर वगैरह यहाँ पर जाके, फोल्डर वगैरह आप वो कोई फोल्डर में रखना चाहते हैं वो आप फोल्डर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए हम वहीं रहने देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इसका यहाँ पे इंस्टॉलिंग पे ओके करके यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉलिंग होना आपका स्टार्ट हो गया है और ये देखिए आपका इंस्टॉल भी हो गया है। यहाँ फिनिश वाले पे क्लिक करके इसको फिनिश करेंगे। अब आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नज़र आता होगा, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि क्रिएट और हाउ टू वीडियो, इसका जो भी वीडियो आप क्रिएट कीजिएगा वो इस तरीके से आप इसका लुक देख सकते हैं। यहाँ पर देखें कैप्चर ऑनलाइन वीडियो, यहाँ पर कैप्चर ऑनलाइन वीडियो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है रिकॉर्डिंग वी मिर या मीटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड PC गेम प्ले भी आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है क्रिएट हाउ टू वीडियो वाले पर ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, ओके करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ टूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपका स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से इसको पॉज कर सकते हैं। इसके बाद या आप अपने जो वॉल्यूम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको वॉल्यूम वाले पे क्लिक करेंगे, जो आपका स्पीकर का है। तो अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो इस तरीके से कर देंगे, ये देखिए हार्ड हो चुका है, ये कलर आ चुका है। अगर ये हार्ड इस तरीके से हो जाएगा ये तो समझिए आपका जो स्पीकर का वॉल्यूम चालू है। यहाँ जो आपका माइक का है, यहाँ पर माइक्रोफोन का है, तो इस तरीके से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ बोलिएगा तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको हार्ड कर दीजिएगा इस तरीके से तो आप जो ही जो माइक में बोलिएगा वो सारे के सारे रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर वेबकैम का है, अगर आप चाहते हैं वेबकैम आपका कैमरा लैपटॉप में उसको यूज करें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कर्सर का है, कर्सर आपको इसमें कर्सर को ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, जो आपका मेन कर्सर है। यहाँ पेंसिल का आइकन मिल जाता है, तो ये पेंसिल का आइकन मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा। यहाँ फोल्डर है, अपना फोल्डर इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद कहाँ पे इसको रखिएगा वो आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरे जो कैमरा जो रिकॉर्डिंग हो वो फुल
डिस्प्ले में हो तो वो इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देखेंगे डायमेंशन पर सेट, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो 1280 एंड 720 पिक्सल चूज कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम फुल स्क्रीन बनाए वीडियो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि यूट्यूब के लिए बनाए तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यूट्यूब के साइज का यहाँ पर आ चुका है। जैसे हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन के लिए हम वीडियो बनाएं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायमेंशन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन चूज कर लेना। देखिए आपका जो फुल स्क्रीन में यहाँ रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद अगर आपका रिकॉर्डिंग लगता है कि सब सक्सेसफुली हो गया तो इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप मिनिमाइज कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे आ चुका है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको आप ओपन कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन हो जाता है। चलिए इसके अंदर कुछ फीचर है उसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनरल सेटिंग का, इस पर क्लिक करके इसको जनरल सेटिंग को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है वीडियो का, जो आप वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग MP4 का ऑप्शन यहाँ पर है, तो आप इसमें से कोई भी साइज इसमें से चूज कर सकते हैं। आपको ढेर सारा साइज मिल जाता है, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिकॉर्डिंग MP4 ही रहने दें। इसके बाद अपने वीडियो का फॉर्मेट यहां से आप चूज कर सकते हैं, यहां पर आपको ढेर सारा फॉर्मेट मिल जाता है, यहां पर FLV और AVI, तो आप MP4 में ही रहने दें। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं रेजोल्यूशन यहां पर 100% है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। यहां पर फ्रेम रेट यहां पर 30 FPS ही रहने दें, ठीक है। इसके बाद ऑडियो वगैरह का आपको यहाँ छेड़खानी नहीं करना है। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यहाँ पर अपना हिसाब से यहाँ पर विड्थ और हाइट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, मगर इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पर आपका जो है वॉल्यूम का ऑप्शन है, तो वो आप जो ही बात करते हैं वो वॉल्यूम यहाँ पे आपका बनता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है, यहाँ पर अपना लोगो वगैरह भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल फोल्डर पर जाकर यहाँ जहाँ भी फोल्डर होगा इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट और इसमें इम्पोर्टेंट है आपका इसमें कर्सर, कर्सर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी जो पार्ट है ये हाइलाइट हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो हाइलाइट कर्सर हो तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब भी आप कर्सर को जहाँ भी लेके जाएगा वो जो आपका है कर्सर हाइलाइट होगा। या इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ पर आपका कलर चेंज हो चुका है। यहाँ कर्सर इफेक्ट में आप जहाँ भी जैसे कर्सर लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड में इसे क्लिक कीजिएगा, आपको लेफ्ट साइड में कौन सा कलर रखना चाहते हैं, और राइट क्लिक कीजिएगा तो आप कौन सा कर्सर में इफेक्ट में रखना चाहते हैं वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसके लिए इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको दो कलर यहां पे है, आप इसमें कलर भी सेट कर सकते हैं। कलर के लिए इस पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर सेट करना चाहते हैं इस तरीके से आप सेट कर देंगे, यहां पे आ जाएगा, यहां से आप ओके कर देना है। आप यहां लेफ्ट साइड में जो भी क्लिक कीजिएगा तो वो आपको लेफ्ट साइड में ये पीला वाला जो है येलो वो नज़र आएगा, और राइट साइड के लिए इस पर क्लिक करेंगे जो भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से आप यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ, इस पर यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे राइट साइड में आपका ये सेलेक्ट हो चुका है। अब जहाँ भी कर्सर लेके जाएंगे तो आपको राइट साइड में इस तरीके से आइकन आपको मिलेगा। सो गाइस, इसमें कुछ ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसमें आपका सब सेटिंग आपका हो चुका है। इसमें आपका वेब कैम का, अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर के साथ साथ कैमरा भी यूज़ करें तो इसको आप इस तरह से आप इजी कैमरा पर क्लिक करके इसको आप सेटिंग कर सकते हैं, बट इसमें कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं खास लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, इसमें यहाँ आपको XYZ और विड्थ और हाइट का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको इनेबल कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ से इसको बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे मेरा यहाँ पर सब कुछ आप सेटिंग हो चुका है, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आपको होटकी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं शॉर्टकट की। इसके बाद पुश और रिज्यूम का भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्टार्ट और स्टॉप पर सेट करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर हम जिसे सेट करना चाहते हैं Ctrl+Q, तो इस तरीके से Ctrl+Q दबाएँगे यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं पुश और रिज्यूम का, तो आपको पहले इसको डिलीट कर देना है, इस तरीके से आप डिलीट कर देंगे। और मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ Ctrl+V, तो इस तरीके से आप यहाँ पे Ctrl+V एक साथ दबाएंगे तो आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये जो यहाँ पे ओके कर देंगे ये जो आपका है शॉर्टकट की, इस जो आपका जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो वो शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट और शानदार तरीका है जिससे आप अपने शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं।
जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो आपका जो है टाइमर स्टार्ट हो चुका है और ये काउंटडाउन है। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी मैं गतिविधि करूँगा, यहाँ पर देखिए जो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम जो फोल्डर वगैरह ओपन करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो यहाँ पर गतिविधियाँ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये फोल्डर यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जो भी यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे आप वीडियो देखे होइएगा जिसमें कुछ हाईलाइट करके बताता है, कोई सर्कल, कोई तीर का निशान, कोई मार्का लगा कर बताता है, तो वो आप इसमें कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे जो पेंसिल वाला आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका पेंसिल का जो आइकन है वो हाइलाइट हो जाएगा। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ से जहाँ भी रखना चाहते हैं इसको इस तरीके से आप रख सकते हैं उठा के। यहाँ पर जैसे यहाँ पेन को तीर लेना है और कुछ पार्ट को समझाना है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से तीर से समझा सकते हैं, जो आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप तीर से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सर्किल है, सर्किल से आपको बताना चाहते हैं बहुत सारे वीडियो में देखते होइएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई ही पार्ट को लेकर इस तरीके से आप समझा सकते हैं। इसको कलर चेंज करने के लिए कलर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारा कलर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कलर को ओके कर लेंगे, कलर अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये वाला जो है हाइलाइट हुआ है इस पर आपका रेड वाला रहेगा इस तरीके से, देखिए यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जो सर्कल है सर्कल पर भी आपका रेड ही रहेगा, अगर चाहते हैं कि कुछ और हो तो इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर पीला कर लेते हैं येल्लो, इस तरीके से ओके कर लेंगे। अब यहाँ सर्कल पर पीला और अप्लाई हो चुका है, देखिए यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी पार्ट को इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी पार्ट को इस तरीके से जो भी आप रखना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पर ओके कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपका आ चुका है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको अपना जो भी आपका व्यूअर है, आप कोई भी चीज़ पर ट्यूटोरियल बनाते हैं तो अगर उसको समझाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जो ये सॉफ्टवेयर जो है इससे आप समझा सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे यहाँ से गायब हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम 1, 2, 3 धर के समझाएं तो इस तरीके से 1 पर क्लिक करेंगे, वहाँ 2, 3, 4 इस तरीके से आप समझा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शानदार फीचर है, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे हट जाएंगे। इस तरीके से कोई भी पार्ट देके कोई भी चीज़ को समझा सकते हैं इसे। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं हाईलाइट करके, तो इस तरीके से भी आप समझा सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ये फीचर है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ टोटल का टोटल आपका यहाँ से गायब हो जाता है। अगर आपका लग रहा है कि सब कुछ सही है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको भी हटा लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसे हट जाएगा। इसके बाद अगर लग रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग अब हो चुका है, यहाँ पॉज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्सिट वाले जो है क्रॉस का निशान, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे यस का निशान आएगा, यहाँ यस वाले पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन होकर आपका आ जाता है। अब यहाँ बोल रहा है कि आप जो रजिस्टर इसको कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा और लाइफ टाइम इसको आप यूज कर सकते हैं और लाइफ टाइम फ्री अपग्रेड आपके पास आता रहेगा और इसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री है टेक वो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर अगर आप इसको जो रजिस्टर नाप नहीं करते हैं, रजिस्टर नहीं करते हैं, तो आपको ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा और आपको इसमें जो है वाटर मार्क मिलेगा, इसमें आपको ये मिलेगा लिखा हुआ। 30 दिन तक आप इसमें 30 दिन तक आप इसको फ्री ट्रायल कर सकते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं 3 डे फ्री अपग्रेड भी आप इसको कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम फ्री टेक सपोर्ट भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा बट ये सब आपके जो है वीडियो में वाटर मार्क रहेगा। अगर आप इसको रजिस्टर नाप पर जाकर रजिस्टर कर लेते हैं तो आप बहुत ही आराम से इसको आप कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ सही है, अब वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से इसको कट करेंगे। इसके बाद अब जाएंगे जो भी मेरा जो यहाँ वीडियो सेव हुआ है वो फोल्डर में हम इसको ओपन करेंगे। तो इसके लिए अपना कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर का आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप जहाँ भी आपका सी ड्राइव है सी ड्राइव को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ यूजर में जाना है, यूजर वाले को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाता है वीडियो का, वीडियो वाले को ओके करेंगे और यहाँ पर देखिए जो भी आप वीडियो बनाया है वो आपको वीडियो यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसको हम प्ले करके देख लेते हैं, इसको हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद जो भी मैं गति यहाँ पर देखिए कि मेरा वीडियो आ गया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे ओके करेंगे जो फोल्डर वगैरह को यहाँ पे आपको, तो इस तरीके से जैसे ये सॉफ्टवेयर जो है इस तरीके से आप समझा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शानदार से, अगर आप किसी शानदार बहुत सो गाइस, इतना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आपका जो है स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करता है आपके लैपटॉप की। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ वाटर मार्क देखने को मिल जाता है, जो मैं आपको पहले बताया था कि अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करते तो आपको कुछ वाटर मार्क मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर आपको वाटर मार्क मिल जाता है। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको जो वाटर मार्क है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
गाइज अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ।